जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा कहते हैं कि शिरडी में आने मात्र से ही समस्याएं टल जाएंगी और जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। गाजियाबाद के रहने वाले गिरीश डावर जी का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। गिरीश जी कुछ समय पहले तक श्री साईं बाबा पर विश्वास नहीं रखते थे, परंतु श्री साईं बाबा की कृपा के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ा और वर्तमान समय में गिरीश जी ने अपना जीवन श्री साईंनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया। ओम साई राम। मैं गिरीश डावर गाजियाबाद से हूँ। बाबा के बारे में क्या कहने, उनकी लीला इतनी प्यारी है, इतनी सारी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बाबा के बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे बाबा ने अपने चरणों में लिया। मैं उन पापियों में से हूँ कि मैं अपनी मिसेज को मंदिर लेकर जाया करता था बाबा के, और कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। वो मुझे बहुत बोलती थी कि क्या आप अंदर नहीं आओगे, मगर मैंने बोलता था कि नहीं, तुम जाओ, मैं बाहर तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि बाबा मुझे इस तरीके से खींचेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे बाबा से जुड़े हुए, लगभग साल भर का ही समय हुआ है, साल डेढ़ साल का, मगर बाबा ने मुझे ऐसे खींचा है, ऐसा खींचा है कि मुझे भी नहीं पता था। बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है कि मेरी औकात भी नहीं थी। बाबा के आशीर्वाद से आज सब कुछ है, सब कुछ बाबा ने दिया है। मैं बता नहीं सकता आपको कि बहुत सारी परेशानियां हर आदमी झेलता है, मैंने भी झेली है, आपने भी झेली होंगी, सब झेलते हैं। बस उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, उनका नाम लेता हूं और आगे बढ़ता हुआ चला जाता हूं। उस उन्हीं को पता है कि क्या है और क्या नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, अपना एक्सपीरियंस है छोटा सा एक। मैं मेरे बेटे को बेड वेटिंग होता था, 10, 11, 12 साल का हो गया, उसकी बेड वेटिंग ख़त्म ही नहीं होती थी। मैं बहुत कहता था, बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने, 2 साल 3 साल 4 साल तक मैंने उसकी दवाइयाँ चलाई, उसका इलाज किया, मगर वो बेड वेटिंग नहीं छोड़ पाया। मुझे बड़ी परेशानी होती थी, मैंने कहा 12 साल का हो गया है, पता नहीं क्या होगा। एक दिन हम सारे के सारे शिरडी गए, वहाँ से बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से बात करी, बाबा से हमने उनसे प्रार्थना ही करी, यही कर सकते हैं अब, उनसे मांगा कि बाबा प्लीज़ कम से कम ये चीज़ ख़त्म करा दो, ये बहुत बड़ा हो रहा है, बेड वेटिंग बार बार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दिन है और आज का दिन है, उसने कभी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। मुझे नहीं पता ये चमत्कार है, क्या है क्या नहीं है। एक और अनुभव आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर 30 नवंबर से 2017 से जुड़ा हूँ। बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छी सेवा का मौका दिया है। मैं रोज़ सुबेरे बाबा को, पहले डेली सर्दियों में बाबा को स्नान कराने में डेली आता था, आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए नहीं आ पाता हूँ। एक दिन बाबा ने मुझे बहुत सारा प्रसाद दिया और वो प्रसाद मैं रोज़ घर लेकर जाता था। सर एक दिन ऐसा हुआ कि वो प्रसाद मैं लेकर जा रहा था तो मेरा मन नहीं था कि मैं घर पर वो प्रसाद लेकर जाऊँ, मेरा मन था कि मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा प्लीज़ ये जो आज प्रसाद है ना, ये मुझे घर नहीं लेकर जाना, मैं ऐसे ज़रूरतमंद को देना चाहता हूँ जो भूखा हो, जिसको उसकी ज़रूरत हो। और मैं गाड़ी से जा रहा था तो जाते जाते मैंने देखा एक साइड में ना 4 से 5 बच्चे बेचारे ऐसे ही बैठे हो रहे हैं और रो रहे हैं। मैंने कहा बाबा तुम कितने दयालु हो, तुम दिल की बात इतनी जल्दी सुन लेते हो। मुझे नहीं विश्वास था ऐसा, मगर आपने विश्वास दिलाया, इतनी जल्दी आपने मेरी बात सुन ली। मैंने गाड़ी रोकी और वो सारा का सारा प्रसाद उन बच्चों को खिलाया और वो बच्चे इतने खुश हुए जिसका हिसाब नहीं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर थर्सडे को मैं मंदिर से प्रसाद लेकर जाता हूँ और वहाँ पे जितने भी 8, 10, 12, 15 जितने भी बच्चे होते हैं मैं उनको खिलाता हूँ। मेरा इतना दिल खुश होता है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता, उसके मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि हमेशा भूखे का पेट भरो। मुझे नहीं पता था कि श्वेता ने मेरी मिसेज ने पर्ची डाली मेरी श्वेता ने मेरी मिसेज ने सेवाओं की पर्ची डल रही थी कि मेरी पर्ची डाली कि हर थर्सडे की पूरे साल की आपने सेवा की पर्ची डल रही है, मैं आपकी डाल दूँ। मैंने कहा डाल दो कोई बात नहीं।
मगर मैंने कहा अब शॉप का टाइम होता है, अब 10-11 बजे कैसे जाया करूँगा मैं। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आप अगर मुझसे आपने मेरे से सेवा लेनी है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे ना सुबह सुबह की सेवा देना, सुबह रे काकड़ आरती की। और सबसे पहली जब पर्ची निकली ना, वो सबसे पहले मेरी ही पर्ची निकली काकड़ आरती की, और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा बाबा देखो आप मतलब आप आपको पता है कि बच्चे के पास 10 बजे के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपने वही टाइम निकाला जिस समय पर मैं आ सकता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, इन छोटी छोटी बातों से ना बाबा ने मुझे अपनी तरफ इतना खींचा कि मैं बता नहीं सकता। और आज बाबा के चरणों में मैं बस अपना तन मन धन सब कुछ लगाना चाहता हूँ, और सब कुछ लगाने की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी जैसे वो कहते हैं वैसे ही करता हूँ। बाकी आशीर्वाद है भैया और भाभी का जो इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे काम देते हैं कि बेटा ये तूने करना है, ये तूने करना है, थोड़ा बहुत जो भी काम मेरे लायक होता है वो देते हैं, भैया भाभी देते हैं, बाबा देते हैं, मुझे नहीं पता, मगर बस उनका भी आशीर्वाद है और बाबा का तो आशीर्वाद है ही। ओम साईं राम।